हम लोग पहुंच गए हैं और अभी बस कंफर्म कर रहे हैं कहां पर है एड्रेस एग्जैक्ट. सो हाँ जल्दी पहुंच गए हम लोग. गुस्सा हो जी. हाँ ये आपके लिए. घर के सामने ऐसा पार्क काफ़ी सही लग रहा है. ये रंगोली भी है यहाँ पर सामने, काफ़ी सुंदर रंगोली. रियली ब्यूटीफुल यार. दिखाता हूँ आपको ढंग से. सब मेरे कजन्स आने वाले हैं अभी. अभी तो कोई नहीं पहुँचा है बट आने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज. और इस रंगोली के बारे में बात कर रहा था मैं. इट्स ब्यूटीफुल. फोटो ले फिर. ले तो रहा हूँ. कैमरा नीचे ऊपर है क्या आयो? ये तो गोप्रो है. तो ये और ये जो है आपस में कितना दूर तक? पेड़ है ये 10 मीटर. व्हाट्स अप? पता है क्यों व्लॉगिंग कर रहा हूं? मन कर रहा आपके पैर छू लूं कि हां सब्सक्राइबर्स. दादा आदत हो गई है मेरे को. से ग्लू बनता है ना उसके. वो नहीं बेर पर जो वो नहीं होता गर्मियों में जो पापा पीते हैं. ये देखो इतने सारे. ये तो सही. वाओ क्या सही लग रहा है यार. गाइस देखिए इतने बड़े नींबू. सब्सक्राइब द चैनल नाउ. This is unique. हाँ जी भाई जी. फोटो फोटो वाले तू क्यों हो रहा है कम में का? माँ नहीं जाने का नहीं आना ना. ये सच्चे मत मानना. कभी कुछ सांस रोक के खड़ा रहे. ये झूठ मूठ कर रहा है. वाले बाबा जी का फोकस रखना है. सरप्राइज आ रहा है पीछे से. बोलो बोलो. जगबंदर जगबंदर. कुछ नहीं हुआ. जगबंदर जगबंदर. आधे घंटे लगेगा लवम में. चलो जी चलो आगे को जाओ. अरे तेरे की रे. आप लोग भी मेडल्स लेके आओ इंडिया के लिए. परिवार से कुछ लोग जल्दी में बिछड़ गए. टाइम से पहले बिछड़ गए हम लोगों से. मैं चाहता हूँ कि एक मिनट के लिए खड़े होकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर एक बात बोल. ओम शांति. आज हम लोगों के लिए परिवार के लिए बहुत ज़्यादा गर्व का दिन है कि हम लोग अपने परिवार के एक विशेष सदस्य के सम्मान के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. ऐसा मौका पहले भी आया है कि जब जगबंदर ने हमारे परिवार को गर्व करने के लिए कई ऐसे अवसर प्रदान किए हैं इससे पहले. लेकिन आज अलग जैसे मैंने बताया इसलिए हो गया है कि आज सारा परिवार इकट्ठा है और हम लोग सब लोग यहाँ पर पूरे के पूरे परिवार के सहित हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि मात्र 11-12 साल की उम्र में भरे पूरे परिवार से
देहाती माहौल से जिसमें खट्टा परिवार रहता हूँ, खेलता कूदता एक बच्चा अलग से एक ऐसे माहौल में चला जाए जहाँ ना तो अपनी भाषा है ना अपना कोई चेहरा दिखाई देता है, कितने संघर्ष किए होंगे। और उसमें जो मैं समझता हूँ वन वर्सेस ऑल था, ये एक अकेला लड़का ऐसा था वहाँ पर उस माहौल में, बाकी सब लोग या तो दिल्ली से थे नहीं तो ज़्यादातर हरियाणा में से, तो उनकी नेचुरली मोनोपोली थी। उस मोनोपोली के बीच में ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच में अगर कोई आदमी बाहर निकल के आता है तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितने संघर्ष किए होंगे, कितनी कठिनाई बरती होगी। इस छोटी उम्र में इसका बाहर निकलना ही हमारे पूरे परिवार को बड़े से छोटे तक सब के सब लोग की सहानुभूति इसके साथ रही है, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा बच्चा था जो बाहर निकला है। इसके साथ के आज हमारे बीच में है कृष्ण पाल, यशपाल, जो इनके साथ ये पढ़ते थे खेलते कूदते थे। ये दोनों लोग सब्सिक्वेंटली दिल्ली के अंदर शिफ्ट हुए अपनी पढ़ाई के दौरान, इसके दौरान तो ये इसको जाकर कभी कभी मिलते थे, इसका हौसला बढ़ता था, हो सकता है वो ये कामयाबी का राज हो। इसके बाद मैं एक और अवसर आप लोगों को याद दिलाता हूँ। 72 के अंदर जर्मनी के अंदर ओलंपिक होना था जिसका सिलेक्शन ट्रायल 71 के अंदर पूना के अंदर संपन्न हुआ और मैं पूना में पोस्टेड था। मैं ट्रायल को देखने के लिए जाता था, मेरे शौक के अलावा चूँकि जगमंदिर वहाँ पर था तो मेरा वहाँ जाना लाजमी था, मैं वहाँ पर जाता था। उम्र मात्र 16 साल, आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि 16 साल की उम्र में वो लड़का ट्रायल के लिए पहुँचता है, ओलंपिक की ट्रायल के लिए, सिलेक्शन ट्रायल के लिए। और वहाँ कुछ तो इसकी वजह से, कुछ अदरवाइज, मैं भी ज़्यादातर स्पोर्ट्स में रहा हूँ उसकी वजह से मुझे बहुत से ऑफिशियल जानते थे वहाँ और कुछ जान गए थे क्योंकि मैं रोज़ जाता था और इसकी वजह से जाता था। तो वो शाम को कभी कभी वो मैच में आ जाना, कभी और कुछ छोटी मोटी उनकी रिक्वायरमेंट थी, कई दिन कैंप रहा था तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। वो सब मेरे से बड़े प्रभावित थे, वो मुझे अलग से बोलते थे कि जी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, हम जगमंदिर का सिलेक्शन करवा लेंगे। मैंने उनको बोला, मैं कहा भैया माफ़ करना, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ और मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता कि हमारे लड़के का आप जबरदस्ती सिलेक्शन करवाएं। 16 साल की उम्र, उन दिनों में वेट कैटेगरी का जो सबसे नीचे वाला वेट था वो 45 केजी का था, इसकी पूरी 45 होता नहीं था लेकिन 45 में लड़ रहा था और ये सिलेक्ट हो। तो ये एक गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि नॉट ओनली कंट्री के अंदर सिलेक्शन ट्रायल में ओलंपिक के लिए सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जर्मनी वाले ओलंपिक में 72 के अंदर पार्टिसिपेट कर गया, मिला नहीं कुछ भी लेकिन वो पहला ट्रायल था इसका, 16 साल की मात्र उम्र। उन्होंने बोला कि भाई 57 में लड़ेगा, कहा 57 में मैं लड़ूंगा, चार आदमी और खड़े हो गए, नहीं भाई यही लड़ेगा, अब जगमंदिर के लिए मुश्किल, ये क्या करें। और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि वेट घटाना और बढ़ाना एक आदमी के ऊपर कितना प्रेशर डालता है, लेकिन ये जब जरूरत पड़ी वेट घटा के लड़ा, कभी वेट बढ़ा के लड़ा और इतनी सिचुएशन के बावजूद सिलेक्शन लिया। नेशनल चैंपियनशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये देखो कि हर चौथे साल कॉमनवेल्थ होता है, हर चौथे साल ओलंपिक होता है, हर चौथे साल एशियाड होता है, तो आप लगा के देखो ऑलमोस्ट एवरी ईयर वहाँ पर कंपटीशन होते थे और उस कंपटीशन में इसका सिलेक्शन होता था। तो मतलब ये उन लोगों के लिए एक, मैं घटा के भी जीता हुआ हूँ और मैं बढ़ा के भी जीत रहा हूँ। विधायक जो हम चारों तरफ को वातावरण देख रहे हैं मुल्क का, वो वातावरण उन दिनों में नहीं था, वो नहीं था बिल्कुल भी। इसके बावजूद, उस कम वातावरण होने के बावजूद भी दो ओलंपिक ऐसे आए हैं जिसके अंदर इसकी फोर्थ पोजीशन आई है। आज जो वर्तमान हमारी सरकार है वो सरकार चौथे पोजीशन की तो सम्मान करता ही करता है, उन लोगों का भी सम्मान करता है जो ओलंपिक में जाते हैं। जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, पोजीशन है ही नहीं, उनका भी सम्मान हो रहा है।
और जो आदमी फोर्थ पर आया उसको तो आप ये मान के चलो कि वो मेडलिस्ट है। अर्जुन अवार्ड जब इसको मिला तो इसकी आंखें तब खुली जा गई। अर्जुन अवार्ड भी इसको सुपरसीड कर दिया गया, क्योंकि मोनोपोली जैसे मैंने बताया सुपरसीड करने के बाद इसका इसको अर्जुन अवार्ड मिला। इसके अतिरिक्त जो एज ए इंसान एज ए मतलब सहयोगी और साथी सपोर्टर, इस आदमी को अगर इसके बस में है, अगर किसी ने कोई काम बता दिया तो फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम हुआ हुआ मिलेगा। कई इस तरह का शख्स जो अपने लिए कभी बोलता ना हो, अपने लिए कुछ मांगता ना हो, अपने लिए कुछ किसी को बताता ना हो, मैं ऐसे आदमी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि सब सम्मान करें, परिवार के सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए जानते हैं देखते हैं आगे आने वाली पीढ़ी, इससे सबक लें कि किस तरीके से हम चलते हैं। धन्यवाद। कोई और एक आज सब कोई बोलना चाहे जगमंदिर के बारे में? मेरे अपनी एक लाइफ में जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा खेलने कूदने में मेरी भी थोड़ी थी डैडी स्पोर्ट्स का बहुत बैकग्राउंड था। जितने भाई हैं उनके बारे में सुनता रहता हूँ, जितने मेरे साथ ही बड़े हुए हैं मेरे दोस्त भाई, तो कभी सुना कि ये उनके पास गए कुछ मदद मांगी, उन्होंने मदद कर दी, वो गए उनसे वो मदद मांगी, उन्होंने उसकी वहाँ वैसे मदद कर दी, उन्होंने वहाँ उसकी वैसे मदद कर दी। तो मैं उनके बारे में सिर्फ दो ही बातें सुनता था पूरी लाइफ, क्योंकि मैं तो बच्चा ही था, या तो भाई इन्होंने उनकी मदद कर दी या उनका ये अचीवमेंट है, यही दो चीज़। और कभी भी सामने ना आता, कभी सामने नहीं देखा बोलते हुए अपने बारे में, कभी अपनी अचीवमेंट को गाते हुए नहीं सुना, हमेशा जो है कैमरे के पीछे, हमेशा इस टोक्यो में पता नहीं कैसे भाभी जी आपने या किसी ने उनको धक्का लगा के किया है, जिसने भी किया थैंक यू वेरी मच, एक बार तो आए कम से कम, कभी भी हमेशा कैमरे के पीछे रहना। मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इंस्पिरेशनल रहे हैं हम बचपन से, कि काम करो और पीछे रहो और मदद करो और भूल जाओ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू फॉर आपका आपके इस प्रेरणा के लिए थैंक यू वेरी मच। जैसे जैसे बड़ा होता है आदमी सीखता कम है, ये इसने जो एनवायरमेंट से देखा सीखा जल्दी समझ आई, ये आप लाइक क्या फेल हो गए, यहाँ अप्लाई किया फेल हो गया, यहाँ भी अप्लाई किया फेल हो गया, बोलिया उसके 10 नंबर अपने पास कि भाई तू आ जा, तू तो बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब डिफिकल्टी जो है वो आदमी को सिखलाती है। इसको इसने भी जो जो फेस किया है वो डिफिकल्टी इस मामले में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। जैसे आपने बताया वहाँ पॉलिटिक्स भी रही होगी, वो पॉलिटिक्स का शिकार हुआ और उसने इसको सिखा भी तो है, सिखा है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि उसके उसने इसको सिखाया। तो मेरी बात तो अपने बच्चों से है, विशेष है, मैं औरों को तो क्या कि हमें अपने को भी केयर करें, अपनों को भी प्यार करें, अपनों को भी एनकरेज करें। जगमंदिर घर में एक ऐसा आदमी रहा है जिसको कभी हर आदमी ने ही अप्रोच किया और इसने उसको बहुत अच्छी तरह से लिया। मतलब अगर मान लिया उन्होंने मेरे पिताजी को चरण सिंह से बात नहीं करनी तो जगमंदिर से उसे कोई ऐतराज नहीं था। ऐसा ये एक परिवार की धुरी रहा भी कि जिसको हर आदमी इसके पास कंफर्टेबली चला जाता था और ये बुला भी लेता। अब ये गांव में गया भाई, इधर कुछ चले गया, उधर कुछ चले गए, इसने बुलाया मुझे, मैं तो बात सुनो कहाँ आया फलाना देखता तो अच्छा, आइए दिल्ली आइए मेरे दौरे, अब अच्छा कब आओगा फलाने को आऊँगा, आया बातचीत हुई। तो मतलब इसके दिमाग में कभी भी इस टाइप की भावना नहीं रही। और पिछली दफ़ा जो मीटिंग हुई वो मैं भाभी जी को श्रे दूँगा, ये आपकी वजह से ही हो पाई। सही बात है, अगर कोई और करता वो होनी नहीं थी, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप इसको बनाए रखें। धन्यवाद। और कोई छोटा नेता? जैसे मैं जब दिल्ली गया तो वहाँ मैंने ऐसी हालत देखी है कि रह नहीं सकता आदमी। मैंने अपने घर जब टेलीफोन वगैरह थे नहीं, चिट्ठी भी लिख दी थी कि मुझे ले जाओ, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। वो अच्छा हुआ खराब हुआ मेरे को कोई चिट्ठी का जवाब नहीं है ना कोई लेना। सवेरे 4 बजे 5 बजे उठाते थे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद फिर स्कूल के लिए, स्कूल से जाओ खाना अपने आप बनाओ, स्कूल से आने के बाद शाम की फिर प्रैक्टिस, ना सोने का टाइम था ना उसका टाइम था।
और हम छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारे से सीनियर थे वो गाली दे के काम करवाते थे, चल बे पानी ला, चल बे ये ला, चल बे वो ला, तो मतलब बहुत बुरी हालत थी। लेकिन उसी स्टेज में हम भी पहुंचे, फिर हम सीनियर हुए हैं, लेकिन हमने कभी किसी से गाली नहीं देखा। हमने उसको यही कही भाई पानी ला देगा, भाई ये कर देगा, हमने उनसे फिर भी यही काम लिया है। तो ये जो सीख है या तो अपने परिवार से मिलेगी या अपने अंदर से ही निकलेगी। इन चीज़ों को कितना ही पढ़ा लो, किसी को कितना ही सिखा लो, कोई नहीं सीख। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, थोड़ा प्रोग्रेस शुरू हुई, फिर चाचा जी ने बताया था ओलंपिक वगैरह में भी, उस टाइम ये जूनियर कैडेट ये नहीं होते थे। तो 16 साल की उम्र में ही मैं पहली दफा सेलेक्ट हो गया था। अगर आज कोई हो जाए ना तो उसको भेजेंगे भी नहीं, उसको लड़ने ही नहीं देते। क्यों? बच्चा है उसका, अगर 2 साल का फर्क है ना तो वो पेरेंट्स की और एक डॉक्टर का मेडिकल देना पड़ेगा। उस टाइम का ऐसा नहीं था। अच्छा, फिर जैसे हम पुलिस में भर्ती हो गए, पुलिस फिर थोड़े दिन स्पोर्ट्स का इंचार्ज रहा मैं पूरी दिल्ली पुलिस का। एक लड़का मेरे पास हॉकी का परमिशन लेने के लिए आया, बोला जी मैं इन्हें जाना फॉरवर्ड कर। मैं बोला मैं फॉरवर्ड जब करूँगा, जब पहले एक फार्म मेरा लिया। तो जब मैं एनआईएस करने के लिए गया, मेरी उम्र थी 45 साल, जबकि 45 साल में वहाँ वो लेते भी नहीं उनको, और लास्ट एज है उसकी 27 साल, 27 साल के बाद वो करवाते नहीं एनआईएस। लेकिन मेरी अचीवमेंट देखकर थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कर लिया। तो एनआईएस करके जब मैं आया तो मेरे को कोई अगले साल ही, एक साल बाद ही मेरे को उन्होंने कोच लगा दिया था। कोई हमारे से सीनियर थे, जूनियर थे हमारे से, उनकी होगी थी, तो वो कोर्ट में चले गए कि हमारे से सीनियर है वो रह गए, हम जा रहे हैं। तो वो कोर्ट ने हमारे ऑर्डर कर दिया, फिर मुझे वो छोड़ के जाना पड़ा वहाँ पे। उस टाइम कोच नहीं रहा था ना। अगर कोच रहता तो फिर नौकरी जाती। रेसलिंग के 3 रेसलर गए थे और उन 3 में से 2 के तो मेडल थे, एक का आया 4th नंबर, और वो भी जब तक 10 सेकंड रह रहे थे जब तक लीड में ही था। अगर वो भी जा जाता तो 100% रिजल्ट था। बियर दबाई है और बाकी खाना तैयार है। आपने मौसम बदल दिया। चीज चावल आ गए डालना होता क्या होगा? वो भिंडी मसाला, माय फेवरेट। एंड देन द मेन हाईलाइट ऑफ द डे इज गुलाब जामुन। वाओ, लुक्स अमेजिंग। मैं सोच रहा हूँ मैं रोटी खाऊं। थैंक यू। ये रिफिल कर देता हूँ ना। नेशन सर्विस तकड़ा। ओलंपिक से मेडल आया यार। चीयर्स। चीयर्स। नो पेन नो गेन। जितने मुश्किल रास्ते उतनी ही सुंदर मंजिल। चमकने से पहले तपने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो आगे बढ़ो और मेहनत करो, अपनी जिंदगी अपने नाम करो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। तकड़ा।